सो हेलो फ्रेंड्स, आज का न्यू व्लॉग। मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं आज घूमने बहुत ही अच्छी जगह, रीवा वाटरफॉल। और यार कल रात की बारिश आके देखो मेरे घर के पास कितना यार पानी से रास्ता ख़राब हो रखा है। यार ये देखो रास्ता ख़राब हो रखा है काफ़ी। बाकी आपको आस्ते आस्ते मैं जगह का स्क्रीनशॉट आपको दिखाते रहेंगे, उससे पता चल जाएगा कि जा रहा हूँ। बाकी ये मेरे घर का ही जगह आपने देखा ही होगा, जैसे आपको पता है। और ये मेरे फ्रेंड आ गए हैं मुझे लेने के लिए, अब निकलना है। ये नज़ारा, क्या बादलों की गोद में जाते हुए हम, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। लोग अभी हमको वो पहाड़ दिख रहे हैं और ये बादल दिख रहे हैं, उसके उस पार जाना है हमें रीवा वाटरफॉल के लिए। ये देखो भाई, बादलों में कैद होते हुए हम लोग, क्या जबरदस्त मौसम है यार। सोलन व्यू का देखो, ऐसा व्यू आप देख नहीं सकते। और हमारे साथ राइडर जा रहे हैं, जो ये भी अपने किसी राइडिंग में हैं। देख सकते हो यार, क्या जबरदस्त मौसम व्यू, माय गॉड। बादलों से घिरे हुए हैं, ये देखो हमारे सामने बादल चल के जाते हुए कितना खूबसूरत नज़ारा भाई का भी देखा है, देख लो आज। ये देखो हमारे सिर के ऊपर से बादल चल के जाते हुए, ओ माय गॉड, देख लो नजारा। हाँ भाई, मजे आ रहे हैं? अरे हमारा भाई तो कुछ बोल ही ना रहा है, कोई बात नहीं। हेलो गाइस, क्या ये लो जी, फाइनली सोलन के बाजार में पहुंच गए हैं। देखिए क्या रश है। फाइनली भाई हम हेरिटेज पार्क पहुंच चुके हैं। ये देखो, अब देखो काफ़ी सारा फैमिली घूमने आई हुई है हमारे साथ, तो थोड़ी देर में पहले यहाँ थोड़ा सा घूम लेंगे, उसके बाद फिर हम वाटरफॉल के लिए जाएंगे। और ये रहा कपिल, मेरा फ्रेंड, वो दूर सेल्फियाँ ले रहा है, सेल्फी ले रहा दूर। ये भाई अब एंट्री होती है, हो रही है हमारी हेरिटेज पार्क की, देखते हैं कैसा है। ये आए हैं हम हेरिटेज पार्क अश्विनी खंड। ये लीजिए भाई, बस एंट्री के अंदर प्रवेश होने ही वाले हैं।
माय गॉड, ये तो पूरा पार्क बनाया हुआ है जिसमें एलिफेंट वगैरह भी हैं। और ये देखिए जी, आ गया बड़ा सा, हेरिटेज पार्क। आई थिंक कृष्णा जी और अर्जुन जो रथ चला रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। हाँ जी कपिल जी, कहाँ पहुँचे हैं हम? मंदिर में पहुँच गए। अच्छा लग रहा है आके आज? बहुत कहाँ ज़्यादा अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। ये पार्क बनाया गया हुआ है जिसमें घोड़े, बारहसिंगा, गेंडा, हिरन सारे शामिल हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करता था शायद। ये देखिए बाहर का, ये मंदिर का अंदर का नजारा है, देखिए कैसा है। वाओ, क्या ब्यूटीफुल नजारा है। कपिल और ये यहाँ से अब हम यहाँ जाते हुए लास्ट सेल्फी पॉइंट में हम फोटो खींच लेते हैं। कुछ यूट्यूबर लोग वहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं।